क्या आप लोगों को भी है यूरिक एसिड की परेशानी? अगर है और आप परेशान हैं यूरिक एसिड की प्रॉब्लम से, तो ये वीडियो है आप लोगों के लिए। वेलकम टू माय चैनल PISNS। आज मैं आप लोगों को यूरिक एसिड के बारे में बताती हूँ कि देखिए यूरिक एसिड, देखिए सबसे पहले तो कारण जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कारण नहीं जानेंगे तो आप वही गलती बार बार करेंगे और आपको आपकी जो यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है वो ख़त्म नहीं होगी। तो पहली चीज़, बाहर का खाना बिल्कुल बंद करेंगे तब आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा। दूसरी चीज़ कि जो आप योगा नहीं करते हैं, बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं करते हैं, वो ज़रूर करना है। और तीसरी चीज़, ऐसा कुछ भी ना खाएं जो कि आपके शरीर को नुकसान देता है, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि आप घर की बनी हुई चीज़ें ऐसी खा लेते हैं जिससे आपको एसिडिटी हो जाती है, और वो एसिडिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो यूरिक एसिड का रूप ले लेती है। तो इसलिए इन चीज़ों का खासकर ध्यान रखें। और जब यूरिक एसिड हो जाता है तो आपको पता कैसे लगता है कि आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है? एक तो आपके जोड़ों में दर्द होने लगता है, खासकर टखनों में दर्द होने लगता है, जोड़ों में दर्द होने लगता है, इस तरह की आपको प्रॉब्लम होने लगती है। और जब यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये गाउट का रूप ले लेता है, और गाउट अपने आप में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि वो बहुत सारी बीमारियों को लेकर के शरीर में प्रवेश करती है। अब आप इससे बचेंगे कैसे? देखिए सबसे पहली चीज़ जो मैं हर वीडियो में आप लोगों से कहती हूँ कि पेट साफ ज़रूर रखना है, पेट में कब्जी नहीं होने देनी है। कब्जी ना हो इसके लिए आप चाहे त्रिफला यूज़ कीजिए या कोई भी चीज़, मैं वीडियो बहुत सारी बना चुकी हूँ जिससे आप अपना पेट साफ रख सकते हैं। तो पेट साफ रखना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि पेट साफ अगर आप नहीं रखेंगे तो आपको जो दवाई आप ले रहे हैं उसका 50% ही आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर आपका पेट साफ होगा तो आप दवाई कम लेंगे लेकिन उसका असर बहुत अच्छा दिखाई देगा। तो आपको क्या क्या चीज़ें लेनी हैं अब मैं वो बता देती हूँ। देखिए 50 ग्राम आपको सूखा आंवला लेना है, 50 ग्राम आपको पुनर्नवा की जड़ लेनी है, और 50 ग्राम आपको बड़ा गोखू लेना है, और 50 ग्राम आपको मुलैठी लेनी है। इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, कूट लेंगे, और फिर उसको एक जार में भर करके रख देंगे। और फिर क्या होगा, इनको एक चम्मच सुबह और एक चम्मच शाम को, आप चाहे तो पाउडर बना करके खा सकते हैं, पानी के साथ ले सकते हैं, या फिर क्या करेंगे, एक ग्लास पानी लें और उसमें एक चम्मच ये पाउडर डालें और उसको इतना उबालें कि वो आधा कप रह जाए, और उसे हल्का सा गुनगुना गुनगुना पी लीजिए। इससे आपकी यूरिक एसिड की जो प्रॉब्लम है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी, धीरे धीरे करके जो आपकी प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी। ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि आपने काढ़ा पीना स्टार्ट किया और आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो।